हेलो डियर लिसनर्स, डियर लिसनर्स, वी आर डूइंग यूनिट 3 सेक्शन सी द फियरलेस फाइटर एंड टुडे आई विल एक्सप्लेन एक्सरसाइज C10 व्हिच इज गिवन ऑन पेज नंबर 73. रीड द फॉलोइंग सेंटेंस. सेंटेंसेस उन्हें पढ़ना है. हाउ एवर विशेज टू स्विम इन द चैनल, आई शुड बी एबल टू स्विम इन द हाई सी फॉर लॉन्ग आर विदाउट अ ब्रेक. नोटिस द वर्ड हाउ एवर एंड विदाउट. दे आर एक्चुअली मेड अप ऑफ टू वर्ड्स ईच. तो आपने दो वर्ड्स हाउ एवर और विदाउट को नोटिस किया होगा, पर एक्चुअली ये दो जो दोनों वर्ड्स हैं किससे बने हैं? टू वर्ड्स से. ठीक है, दो अलग अलग वर्ड्स से बने हैं. हाउ एवर इज मेड अप ऑफ हाउ एंड एवर. जो हाउ एवर है वो किससे बना है? हाउ और एवर से. विदाउट इज मेड अप ऑफ विद एंड आउट. ठीक है, तो विदाउट है किससे बना? दो वर्ड से, विद एंड आउट. दीज आर पुट टुगेदर टू फॉर्म अ कंपाउंड वर्ड्स. दोनों वर्ड जब मिलते हैं तो ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड वर्ड्स. दे मे बी रिटन इन वन वर्ड एज इन हाउ एवर. तो इस तरह के जो वर्ड हैं कभी कभी कैसे लिखे आते हैं? मिला कर लिखे आते हैं. हाउ एवर एंड एज वर्ड सेपरेटेड बाय द हाइफन एज इन सेल्फ रिलायंस. तो कई बार ऐसे वर्ड्स को जो है हाइफन के थ्रू भी एक्सप्लेन किया जाता है कि सेल्फ, तो दो डिफरेंट वर्ड और उसके बीच में क्या लगा दिया? हाइफन. एक्सरसाइज सी, रीड द स्टोरी अगेन, आइडेंटिफाई एंड राइट बिलो द 5 कंपाउंड वर्ड्स. तो स्टोरी से आपको 5 कंपाउंड वर्ड करने थे, तो कौन कौन से है? अपस्ट्रीम, साइडवेज, ओवरटेकन, आउटस्टैंडिंग एंड ओवरकम. नाउ डियर स्टूडेंट, आई विल एक्सप्लेन द नेक्स्ट एक्सरसाइज विच इज गिवन ऑन पेज नंबर 74. रीड द टेबल गिवन बिलो. तो टेबल है, इसे पढ़ना था. ओके, इट गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट बाबा आमटे. तो ये जो टेबल है हमें बाबा आमटे के बारे में बता रहा है. ठीक है, ये जो है इनका नाम क्या है? बाबा आमटे है. पिक्चर में आप देख सकते हैं. द मैन हु अंडरटूक द टास्क ऑफ लुकिंग आफ्टर लिप्रोसी पेशेंट्स. तो उन्होंने जो लिप्रोसी पेशेंट्स होते हैं उनके लिए बहुत काम किया है. हिज हार्ड वर्क एंड विल टू डू सो मेड हिम सक्सेसफुल. जो उनकी विल पावर थी और हार्ड वर्क था, उन्होंने उसने जो है इनको बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बनाया. तो यहाँ पर एक टेबल है. नेम क्या है? मुरलीधर देवीदास आमटे, नोन एज बाबा आमटे. प्रोफेशनल क्या था? लॉयर. क्वालिटीज, करेजियस, डिटरमाइंडेड, हार्ड वर्किंग एंड हम्बल. सेक्रीफाइसेस, गिव अप प्रैक्टिस ऑफ लॉ, अंडरटूक ट्रेनिंग इन कोलकाता टू ट्रीट लिप्रोसी पेशेंट्स. अचीवमेंट, ओपन अ होम फॉर लिप्रोसी पेशेंट कॉल्ड आनंद वन. के टूडे इट हैज़ मैनी बिल्डिंग फार्म्स एंड अ फुल्ली इक्विप्ड हॉस्पिटल. अवार्डेड, क्या अवार्ड मिले हैं? पद्मश्री, पद्म विभूषण. ही डिक्लाइन दैम. ठीक है, जिन्होंने ले लिए. एंड देन इन द टॉन अवार्ड्स फॉर लिप्रोसी एड इन 1983, डाइड इन 2009. तो इसके ऊपर क्या है? यहाँ पर पैराग्राफ लिखना है जो कि मैंने आपको असाइनमेंट में दे दिया था. कैसे करना है आपको? द मैन विद एन आयरन व्हील. तो आपको एग्ज़ाम में जो है ये क्लू नहीं मिलेगा, टेबल नहीं मिलेगा. ठीक है, तो आपको उसको लर्न भी करना है, जिसे कि मैं अब यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाली हूँ. द मैन विद एन आयरन व्हील. बाबा आमटे as he is popularly known was a man of great admirations. His real name was Muralidhar Devidas Amte. He was a great lawyer. He was courageous, determined, hardworking and humble. He sacrifices the practice of law for the sake of leprosy patients. He opened a hospital for
leprosy patients known as Anand I. He was awarded with Padma Shri and Padma Vibhushan, but he declined them. He also got Danin Dutton Awards for leprosy 8 in 1983. He died in 2009. The student, what will you do? You will revise this, learn and revise this paragraph. Now I will explain the next exercise. It's a unit 4, E-generation. E-generation, मैंने बताई थी आपको, generation का मतलब कहता है electronical generation. तो यहाँ पर हम ये revise करेंगे, ठीक है. Exercise A2, some words are given in the box below. कुछ words दिए गए हैं. Write them against their meaning. तो उनके meaning के अंगेज हमें लिखना है. First is a funny name used instead of real name. तो funny name, जिसे हम real name की जगह बुलाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? Nickname. Next is causing pity on sadness. ठीक है, थोड़ा दुखी दुखी होना, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम? Pathetic. Next is room or space at the top of a building just below the roof. So क्या बोलते हैं? Attic. Next is a person who works on a computer network without permissions. So it is known as hacker. Next is close friends. बहुत close friends को हम क्या बोलते हैं? Chums. Next one is microscopic organism able to cause diseases. This is known as virus. Next one is trick to catch a person. उसी को पकड़ने के लिए हम trick use करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? Trap. Next, human figure used for frightening birds away from crops. That is scarecrow. Okay, this is known as scarecrow. Now, exercise A3, read the story. What will you do? You will read this story, Five Chums and the Hacker. जो कि मैंने अभी भी recently आपको explain की हुई है. So, you will read one time. इसे आप one time जरूर read करेंगे. Okay, now I will explain the exercise of this story, which is given on page number 87. Okay, exercise A4, given below are 8 incidents from the story, but their order is mixed up. Decide on the order in which they occurs in the story and number them accordingly. तो यह सारे क्या है? अनजम्बल है, जैसे कि हमें सीक्वेंस में लिखना है. ठीक है, फर्स्ट क्या है? स्टोरी में क्या हुआ था? निशान इन्फॉर्म बिल डैट मिसिज स्टेफनी हैज फेंटेड. ठीक है, नेक्स्ट वन इज द फाइव चम हैव अ मीटिंग. नंबर नेक्स्ट इज द फाइव चम विजिट मिसिज स्टेफनी. फोर्थ वन इज बिल शट ऑफ द कंप्यूटर. फिफ्थ वन इज बसंती हिट अपॉन अ प्लान टू ट्रैप द हैकर. सिक्स्थ वन इज द फाइव चम मेक अ प्लान. नंबर सेवेंथ इज मिसिज स्टेफनी pretended to leave the flat. Number 8 is the culprit is caught. इस सीक्वेंस में आप लोगों के बारे रिवाइज करना है. Now I will explain the exercise A5. Tick the appropriate answer. It took Mrs. Stephanie's neighbors a full 10 minutes to get her to the ambulance because she screamed when other tried to टेक हर टू द एम्बुलेंस. तो मिसेस स्टेफनी को 10 मिनट्स लगे थे. क्यों? क्योंकि वो चिल्ला रही थी. ठीक है, तो उनको एम्बुलेंस में बिठाने के लिए कितने मिनट्स लगे? 10 मिनट लगे थे. क्यों लगे थे? क्योंकि वो क्या कर रही थी? सब पे चिल्ला रही थी. नंबर 2 इज द रीज़न ऑफ मिसेस स्टेफनी वरी वॉज डैट शी. क्या रीज़न था कि वो बहुत ज़्यादा वरी थी? वॉज अफ्रेड समवन वुड किल हर. डरी हुई थी कि कोई उन्हें मार देगा. नंबर 3
Mrs. Stephanie asked her son to send her money. She did so by. तो मिसेस स्टेफनी ने जो है पैसों के लिए कहा था अपने बेटे को, या पर क्या किसके थ्रू कहा था? Sending him an email. उन्होंने उनको अपने बेटे को ईमेल भेजी थी. Next is the hacker even knew what Mrs. Stephanie was thinking. He was because this was because she was always muttering and. तो हैकर को पता लग गया था कि वो क्या सोचती है, कि पता था क्योंकि वो क्या करती थी, हमेशा मटर यानी कि बड़बड़ाती रहती थी. द वायरस एक्टिवेटेड द माइक्रोफोन डैट पिक अप वट एवर शी मटर. तो जो वायरस था उसने माइक्रोफोन को भी पकड़ लिया था, ठीक है, इसके थ्रू जो है जो मटर करती थी वो उस हैकर तक पहुँच जाता था. तो स्टूडेंट दैट्स ऑल फॉर द डे. टुमारो आई विल डिस्कस द नेक्स्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस लेसन. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.